प्रतीत होता है यह किसी महान तपस्वी का आश्रम है। उनके दर्शन किए बिना जाना उचित नहीं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्षमा कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूं ये सुंदर और पावन आश्रम किसका है? क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मैं भगीरथ हूं। भगीरथ? अर्थात महाराज भगीरथ? महाराज था किंतु अब तो वैरागी हो गया। आइए, आपका स्वागत है। यह हमारे गुरुदेव महान ऋषि जहनू का आश्रम है। महर्षि जहनू? मैं अभी जाकर उनके दर्शन करता हूं। भगीरथ! माता, आपको कुछ देर यहां विश्राम करना होगा। मैं महर्षि जहनू के दर्शन करके शीघ्र आता हूं। जहनू ऋषि? हाँ माता। भोला भगीरथ नदी को रुकने के लिए कह रहा है। प्रतीक्षा के लिए तो मुझे अपनी दिशा बदलनी होगी, और दिशा बदलूंगी तो मेरे समक्ष जहनू ऋषि का आश्रम पड़ेगा। महर्षि जहनू, आपके श्री चरणों में भगीरथ प्रणाम करता है। महाराज भगीरथ, मैं आपकी ख्याति से परिचित हूं, किंतु आपका ये वैरागी रूप देखकर आश्चर्यचकित हूं। ये किसका दुस्साहस है? किसने किया होगा ये? यह अनर्थ किसने किया होगा? कौन हो सकता है? ये दुस्साहस किसने किया होगा? कौन हो सकता है? ये कौन मायावी है जिसने जहनू के आश्रम में इस प्रकार प्रवेश करके यज्ञ के अनुष्ठान को भंग करने की चेष्टा की? महर्षि, यह कोई मायावी नहीं, यह तो माता गंगा है। गंगा? गंगा का यह दुस्साहस, ऐसा व्यवहार! ब्रह्मलोक में अपनी मनमानी करने वाली, शिव की जटाओं को चुनौती देने वाली गंगा, ये चहनू का आश्रम है। ये धृष्टता यहां सहन नहीं की जाएगी। यदि तुझे अपनी विशालता पर इतना अभिमान है तो देख, तुझे ये चहनू ऋषि क्या दंड देता है। त्राहिमाम महर्षि, त्राहिमाम, त्राहिमाम। इतनी ही शक्ति थी तुझ में? तेरी इतनी ही क्षमता थी?
तू एक ऋषि की प्यास भी नहीं बुझा सकी? महर्षि, 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 ये क्या किया आपने? महर्षि, मैंने क्या किया? गंगा को उसकी दुष्टता का दंड दे दिया, और क्या किया मैंने? नहीं महर्षि, नहीं, आपको माता गंगा को लौटाना होगा। महर्षि, आपको माता गंगा को लौटाना होगा। राजन, शांत हो जाओ। हाँ तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुमने ये वैराग्य क्यों धारण किया? हे महर्षि, मेरे वैराग्य का कारण भी माता गंगा ही है। कपिल मुनि की ज्वाला से भस्म हुए मेरे पूर्वज माता गंगा की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि माता गंगा की जलधारा वहां तक नहीं पहुंची तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, उनकी मुक्ति नहीं होगी, मेरे संकल्प की पूर्ति नहीं होगी। मेरा वैराग्य व्यर्थ जाएगा महर्षि, मेरा वैराग्य व्यर्थ जाएगा। हे महर्षि, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पूर्वजों पर कृपा कीजिए। मैं आपके श्री चरणों में तब तक पड़ा रहूंगा जब तक आप माता गंगा को मुक्त नहीं कर देते। गंगा पर तो नहीं, किंतु मुझे तुम पर दया अवश्य आ गई। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे संकल्प के लिए मैं इस चंचल गंगा को मुक्त करता हूं। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आयुष्मान भव। अब इस गंगा को लोग जाह्नवी कहकर पुकारेंगे। माते, क्षमा करना पुत्र, मैं बाल्यकाल से ही चंचल स्वभाव की हूं, किंतु मैं क्या करूं पुत्र? जैन ऋषि का आश्रम मेरे मार्ग में जो आ गया था। कुछ भी हो माते, किंतु आप, मेरी विनती है कि आप मेरे साथ साथ ही चलें, क्योंकि यदि आपको ऐसी घटना घट जाती है तो मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। माते, एक उपाय है पुत्र। वो क्या है माते? तुम मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिसे सुनकर मेरा ध्यान कहीं और लगे ही नहीं। जैसी आपकी इच्छा माते, आप ही बताइए आप किसकी कथा सुनना चाहेंगे? तुम मुझे अपने पूर्वजों की कथा सुनाओ जिनके उद्धार के लिए तुम मुझे ले जा रहे हो। अच्छा माते।